औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले 2022 के विधानसभा इलेक्शन को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इसके ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और आज जिस तरह से वहाँ पर मुसलमान बेहाल और वहाँ के बिना कायद के जो लोग थे, आज वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं था, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र और जिस तरह से उनको देखने का नज़रिया है, उसको देखते हुए यहाँ के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वह यहाँ पर मजबूती के साथ अपना हाथ उनके हाथों के साथ थामे हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज मुसलमानों की जमात और मुसलमानों की पार्टी को कर काफ़ी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुसलमानों का रहनुमा बनकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दावेदारी पेश कर दी है इंशाअल्लाह ताला। और इसी दावेदारी के साथ मुसलमान अब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से 70 सालों से कांग्रेस ने अपने मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की और उनके वोटों के साथ जिस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया, उसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज उन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां की विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है, और जिसने उत्तर प्रदेश में अपना कब्ज़ा जमाया उसको यहां पर बड़ी ताकतवर पार्टी माना जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसको निकालने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर मेहनतें कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके मेहनत के ज़रिए से यहां पर मुसलमान दलित सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मजलिस को यहां पर मजबूती के साथ थामे हुए हैं, और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में मजलिस को बड़ी कामयाबी से अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने जानने पहचानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।